एसएन मेडिकल कॉलेज में जिला महिला चिकित्सालय को शामिल कर इंटीग्रेटेड कैंपस बनाया जा रहा है। इसके पहले चरण में लेडी लॉयल जिला महिला चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए 31 करोड़ का बजट मिला है। एसएन मेडिकल कॉलेज में जिला महिला चिकित्सालय को शामिल करके इंटीग्रेटेड कैंपस बनाया जा रहा है। इसके पहले चरण में लेडी लॉयल जिला महिला चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए 31 करोड़ का बजट मिला है। इस ब्लॉक में सांस संबंधित बीमारी, फेफड़ों के संक्रमण के साथ ही टीबी के मरीजों का इलाज किया जाएगा। एसएन में संचालित क्षय व वक्ष रोग विभाग और पल्मोनरी मेडिसिन, सांस नलिकाएं और फेफड़ों की जांच और इलाज को शिफ्ट किया जाएगा। एसएन के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए सीनियर बॉयज हॉस्टल के मैदान में 630 की क्षमता और जूनियर डॉक्टर्स के लिए 630 की क्षमता का 13 मंजिला हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिम बनेगा। इन प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का बजट मिला है। अक्टूबर तक काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल एसएन मेडिकल कॉलेज में क्षय एवं वक्ष रोग विभाग नाले के बगल में स्थित पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। यह जर्जर भवन है। यहाँ पर टीबी के साथ ही ड्रग रजिस्ट्रेशन, टीबी के मरीजों का भी इलाज होता है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के बाद मरीजों को वातानुकूलित भवन में इलाज मिल सकेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल, पंथ हॉस्टल के साथ ही सीनियर बॉयज हॉस्टल जर्जर है। कई बार प्लास्टर गिर चुका है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी नए हॉस्टल बनेंगे। इंटीग्रेटेड कैंपस के तहत एसएन में 43 पुराने भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।